सुबह सुबह उठ के हम यहाँ पे आए सबसे पहले भाई। यहाँ पे आपको पनीरियाँ मिल जाएगी, सब्जियों की भी। अब ये बारिश आज भी बारिश हो तब तो टिक जानी है। किस चीज की ये? फूल गोभी। कमेंट करके बताना जिसको भी पता है कि ये किस चीज का है। अरे वाह, आप जानते हैं इनको। देखो भाई यहाँ पे भी हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। चलो बढ़िया, थैंक यू भाई, देखा करो। सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम आ गए थे कुल्लू और हमने कुल्लू में स्टे किया। आज यहाँ पे जो है एक जगह आए हैं हम कुल्लू में, ये जगह। हम क्या लेने जा रहे हैं? फूल। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। सुबह सुबह उठ के हम यहाँ पे आए सबसे पहले भाई। यहाँ पे आपको पनीरियाँ मिल जाएगी, सब्जियों की भी, और बहुत सारी चीजों की जो आप खेतों में बीज सकते हो, फिर उनको बीजने के बाद बेच सकते हो और काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मेंटेनेंस बहुत अच्छे से कर रखी है। आप बोलो इलगानी ठीक है खेत में? नहीं ना, तीन चार दिन रुकना चाहिए। है किस चीज की ये? फूल गोभी। पहले थी सिलम भी। गाइस अभी ये थोड़ी छोटी है ना फूल गोभी, तो अभी ये कह रहे हैं कि तीन चार दिन रुक जाओ, थोड़ा ग्रो होने दो इनको और तब जाके ले लेना इनको और खेत में बीजना फिर। यहाँ देखो गाइस, मेहनती लोग, पूरी जी जान से मेहनत हो रही है। और ये पता नहीं क्या है गाइस, कमेंट करके बताना जिसको भी पता है कि ये किस चीज का है, क्योंकि मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है ना एग्रीकल्चर में, तो आप बताना क्या है ये। ठीक है, कोई ना कोई तो होगा जिसको नॉलेज होगा। ये वाली टमाटर है फिर लग रही ना आज ही, देख मैंने पिंका ने जाना अभी। मैं देख मैं आ रहा था आज। ये क्या होता है? क्या कद्दू? गनेरी की तरह। अच्छा वो अच्छा देख इसको रहा। मेरे को लगा होगा तेरे को पता, तू है पर गधा ही। अरे वाह, आप जानते हैं इनको। देखो भाई यहाँ पे भी हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। टिकने चाहिए थे, ये टिक जाएगा। अब ये बारिश आज भी बारिश हो तब तो टिक जानी, कल भी आज मैंने छगनी में लगाई पाइप खेत को ना, वो है ना बीच में, देखो ये लाइन दी है, इसमें एक लाइन में और हल्की हल्की धूप भी आना शुरू हो गई अब तो। पिछली बार तो गाइस जो वो फ्लड आया था ना, उसने सब की जो खेती थी सारा नुकसान कर दिया, लाखों का नुकसान कर दिया लोगों का। और बुआ जी जो अभी पनीरी ले रहे हैं यहाँ से, इनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, सारी फसल दरी की दरी रह गई थी बाढ़ की वजह से। बुआ जी मैं करूँ मदद आपकी, बताओ। हुँ? थोड़े बच्चे नहीं फूल गोभी के, ये बंद गोभी के इन्होंने बीजना, और ऐसे भी यहाँ फिर हो जाएगी खराब इनके। अच्छा अच्छा, कितने ने हजार रुपये कितने डालने? ये है भाई प्याज है। प्याज बारह मैंने नहीं हुए, प्याज भी देखे थे आज तक, पहली बार देखे प्याज, मतलब प्याज देखे मतलब इस तरह देखे पहली बार। देखो गाइस आंगन इस तरह मेंटेन करना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ पे अभी बीजेंगे, अभी बीजा नहीं है यहाँ, हल्का ही है। मैं बोला दोस्तों, मेरा जो पिछला ब्लॉग है जिसने भी वो देखा है ना, उनको मैंने कहा था कि हम कुछ खरीदने वाले हैं, वो क्या होगा वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मेरे पापा भी अभी उसी चीज़ को लेने आए हैं। तो गाइज ये वो टीपर, अभी इसको चेक कर रहे हैं हम ना, अपने कुछ इंपॉर्टेंट कामों के लिए ले रहे हैं हम इसको। चल हमें तो ये टेम्परेरी चाहिए अभी ना, क्योंकि कुछ काम है घर पे जो हमने करना है पूरा, उसके लिए हमें ये चाहिए। वो काम क्या है वो भी घर जाके बताऊंगा आपको। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं लूंगा ये, और उस दिन सबसे पहली राइड मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा। सामने अपनी गाड़ी लगी है, इसमें बैठ जाते हैं कम्फर्टेबल होके। तो गाइज अब सर्विस का काम हो गया टिपर की, तो उसके लिए जाना पड़ेगा अब तो। आज मेरे को लगता है रात को ही घर पहुंचूंगा अब। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि मेरे पापा ने खुद चलाया शायद वो, या तो उस पर बैठे हुए थे वो, कुछ तो हुआ, तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस टिप्पर की जिसको देखने आए थे पापा। मेरे पापा को गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता इस मामले में। तो मेरे पापा ने मना कर दिया उस जिससे वो टिप्पर ले रहे थे हम, और ऊपर से उसमें तेल भी डलवा दिया था 1000 रुपये का। और उसके बाद पापा ने देखा उसका मतलब, काम हमें बेशक है टिपर का भी, बट कोई ख़राब चीज़ नहीं हम ले सकते ना, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, फिर और पैसा डालना पड़ेगा उसको बनाने में ही पहले।
टिपर की जरूरत है, देखेंगे कोई और टिपर अगर किसी के कॉन्टेक्ट में हो तो बताना कमेंट करके कितनी बना रहे। तो गाइस अभी रुके हैं हम एक जगह यहाँ पे नेर चौक में मंडी में, ये जो जगह है यहाँ पे हमने खाना खाया ना अभी। अब बिजू भाई भी आ रहा है इधर ही ना, तो अब बिजू भाई का भी वेट करेंगे यहीं, फिर जब बिजू भाई आएगा फिर साथ में ही निकलेंगे यहाँ से। बड़ा टाइम हो गया, आप लोगों ने भी नहीं उसको ब्लॉग में देखा होगा, तो आज मिल लेना आप लोग भी उससे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी धूप लगी हुई है भाई। देखो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और बिजू भाई अभी तक नहीं पहुंचा। उससे मैंने कुछ सामान भी मंगाया है रूम से, तो शायद वो सामान ढूंढते ढूंढते वो लेट हो गया होगा। आज तो मैं मतलब बहुत रात में घर पहुंचूंगा यार। यहाँ देखो गाइस, जिंदगी हो तो इसकी तरह पूरे मजे ले रहा है। देखो ये पूरी टोली आ गई, अब यहाँ एक साथ उड़ रहे हैं सारे के सारे। हाँ जी ब्रो, अरे वाह, कहाँ से हो आप? मैं इधर गागल से, लोकल। लोकल हो? हाँ जी, ये भी अपनी मेरी एक शॉप है। अच्छा ये वाली सामने वाली? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, थैंक यू भाई, देखा करो सपोर्ट किया करो। और क्या? हाँ जी जी। और बस यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है हमारी जी, काम था यहाँ पर कुछ ना बिलासी में। हाँ हाँ बिलासी में, आपकी जहाँ आप जिस बिल्डिंग में रहते हो ना वहाँ मेरे एक मामू का लड़का भी रहता है। ओहो अब भाई कैसे हो? कैसे हो? और भाई बंदे ब्लॉग में शक्ल हो गई मोटी, कुछ खा लेते ठीक है भैया ना। अच्छा लगा आपसे मिलके, आएगा ब्लॉग में डाल दूंगा आपको। कोई नहीं, ठीक है ठीक है। और अबू भाई ठीक हो आप? बढ़िया एकदम बढ़िया। वाह रब बुरे हाल हो गए, टांगों में हो रही ना, जस से खेले मिट्टी में खेले हम बहुत ज्यादा, जस से खेले वैसे कपड़े पहने कुछ और नहीं किया, बुखार आ गया। चलो फिर साइड में बैठते हैं अभी। अभी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा काम बचा ना, हमारी जो गाड़ी है उसका थोड़ा काम था करने को, तो बस वो काम हो जाए फिर निकलना है अब घर ही। यार गाइस आज के दिन ना यहीं पे रात हो गई, हमें बहुत ज्यादा थक गया हूँ। 8 बज गए दोस्तों आज यहीं पे, आज का दिन पूरा बीत गया मतलब यहीं पे। हमारे को आए थे पापा टिपर देखने के लिए, टिपर पसंद आया नहीं, फिर गाड़ी का थोड़ा सा काम था वो करवाया, अब रात के 8 बजे जाके हम फ्री हो रहे हैं। काफी सब्सक्राइबर्स भी मिले भाई यहाँ पे, यकीन नहीं होता कभी कभी कि इतने लोग जानते हैं हम, मेरे को आते हैं बात करते हैं अच्छे से, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे से ऐसे बात करते हैं आके। तो मतलब दिन में एक ही चीज़ अच्छी हुई है आज ये कि लोग आए मेरे से बात करने और बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, मेरे को खुशी हुई, यही एक ही चीज़ अच्छी हुई। तो चलो चलते हैं अब सभी। हाय गाइस फाइनली यार, अभी पता क्या टाइम हुआ है, रात के 12 बज रहे हैं अभी। मम्मी जी पता नहीं जाग रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे अभी। ओ लॉक लगा है, मम्मी जी चले गए हैं सोने। हाँ सोने चले गए हैं। हाँ ओ भगवान, रात के 12 बजे घर पहुंचाऊंगा गाइस, इतना थक गया हूँ ना, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अंदर नहीं है, नीचे चले गए होने सोने। ये बंदा ऐसा है ना, ये आता है 4-5 महीनों बाद घर। क्या आंखें देखो मेरी, वो बिल्कुल लाल हो गई है। तो गाइस अब खाएंगे हम खाना फिर सो जाएंगे। तो बस ये था आज के ब्लॉग में, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ बोलने की। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।